अचीवर्स। दस वाले ताली नहीं मारते सर। वुड लाइक टू प्रेजेंट समथिंग टू सर टू द क्लब, प्लीज कम। थैंक यू अशोक सर, काइंडली जॉइन अस। सर वुड लाइक टू प्रेजेंट अ गिफ्ट, प्लीज कम सर। प्लीज मैम, we please have the video bites with the cover page. चीवर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ऐसी हस्तियों की कहानी इसमें लिखित हुई है, सो कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब मैं 42 साल पहले यहाँ आया था, मैं फुटपाथ पे रहता था, और फिर मैं जब एक्टर बना तो फिल्मी मैगजीन्स में तो मैं कभी कभी मेरा जिक्र हो जाता था, मगर सोसाइटी एक ऐसी मैगजीन थी जो फिल्मों से अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बस लिखती थी, और आज उसके कवर पर एज ए सोसाइटी अचीवर के कवर पर अपने आप को पाकर मुझे अच्छा लग रहा। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग है, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मौके दिए हैं। ऑफकोर्स मेरा हार्डवर्क, मेरी ऑनेस्टी, मेरी जद्दोजहद तो थी ही थी, मगर फिर भी ऊपर वाला भगवान श्री राम हर कदम पर मेरा साथ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनस्टॉपेबल अनुपम खेर जी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप अगर कुछ कहना चाहिए जिस तरह हम अनस्टॉपेबल अनुपम खेर। हाँ, मुझे लगता है कि जब आपको फियर, फेलियर का फियर ना हो, जब आपको किसी भी किस्म की फेलियर की घबराहट ना हो, तो फिर आप अपनी दौड़ दौड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, डगमगा सकते हैं, लेकिन फिर खड़े होकर दौड़ सकते हैं। तो इसका कवर पर जो लिखा है अनस्टॉपेबल अनुपम खेर, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप अपनी दौड़ अपने साथ लड़ रहे हैं, अपने साथ दौड़ रहे हैं, और हमेशा जो है लोग थक जाते हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, लोग थक जाते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। मैं सेफ प्ले नहीं करना चाहता। ओशो ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू इंश्योर इट। तो अच्छा है, और इससे मुझे और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे आगे भी जो काम है वो भी इसी शिद्दत से करना है। सर, जिस तरह आज आपका स्वागत हुआ इन 22 तारीख को, हमें सभी को पता है आप असली मुद्दे पे आ गए। यस, ऑफ कोर्स हम सभी खुश हैं एज एन इंडियन। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? हमने बहुत साल वेट किया है रामलल्ला का, बहुत बहुत साल, सेंचुरीज वेट किया। पहले तो कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया, फिर एक पूरे संवैधानिक नीति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस को लड़ा गया। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि 80% आबादी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाना पड़ा, उनके धैर्य की इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और अब जब उनका आगमन 22 जनवरी को हो रहा है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास का वातावरण है, और ना केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए। तो बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, वो एक पद्धति है जीने की, वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म ने यही सिखाया कि जीवन ऐसे जिया जाता है। धर्म का जो ट्रांसलेशन है वो रिलीजन नहीं हो सकता। बीच में अगर हम आपकी सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, 3 बड़ी तस्वीर आपने डाली, पहले सलमान सर के साथ, दूसरी आपका शो जो NSCI में होने वाला है, तीसरा छोटा भीम का जो किरदार है उसके बारे में, तीनों तस्वीर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहोगे? मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालता रहता हूँ। यस, मैं जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें डालता हूँ। हम देखते सलमान, मुझे अच्छा लगता है जब कभी कभी 6 महीने में एक बार फ़ोन करता है, जब उसको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, वो टच में रहता है। तो उसके साथ परसों मेरी मुलाकात हुई, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में मेरा प्ले हो रहा है, बड़े थिएटर में, बड़े थिएटर में आज तक म्यूजिकल हुए हैं, फॉरेन से म्यूजिकल हुए हैं, या हमारे फिरोज साहब ने जो पहला म्यूजिकल किया था। लेकिन इंडिविजुअल एक्टर कुछ भी हो सकता है, जो प्ले है, मैं अकेला हूँ और उस बड़े पैमाने पर या उस बड़े थिएटर में, उस ग्रैंड थिएटर में मैं पहला ऐसा एक्टर हूँगा जो इतिहास में लिखा जाएगा कि पहले एक्टर ने, अनुपम खेर ने उस पर नाटक किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, मैं प्राउड महसूस करता हूँ। बाकी छोटा भीम की शूटिंग ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सलमान सर के साथ फिल्म की आने की चर्चा हो रही है, पता नहीं, देखेंगे। आई थिंक ये इसको, इस पर टिके रहते हैं, इस पर ही रहते हैं।
राम जन्मभूमि के बारे में तो बोलना जरूरी था। सर हम सोसाइटी अचीवर पे आते हैं, किस तरह की कहानी आपने आपके जो करीबी दोस्त हैं उनकी कहानियाँ लिखने वाले हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये तो इनके इन्होंने मुझे उपाधि दी है, इन्होंने मुझे अपने कवर पे डाला है कि अनुपम खेर सोसाइटी के अचीवर। ओके। हाँ, उस अचीवर हर साल वो शायद हर कुछ महीने बाद किसी को डालते हैं, तो इस बार कवर पे मैं हूँ। जो मैंने जिस तरह से अपना जीवन जिया है, जो मैंने अलग अलग फील्ड्स में उपलब्धि हासिल की है, बतौर एक्टर कह लीजिए या एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ मैं एक्टर प्रिपेयर्स, या जो मैंने किताबें लिखी हैं, या जो मेरा सोशल मीडिया है, या जो मैं फाउंडेशन चलाता हूँ अनुपम खेर फाउंडेशन, उन सबको जोड़ कर उनके बारे में इसमें लिखा है और बहुत गर्व महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ जल्दी आ बाहर। थैंक यू अशोक। थैंक यू। अरे दादा। ओ दादा। गणेश दादा। गणेश दादा। पार्टी मार गया। या पार्टी मार गया। ओके जी, बाय बाय बाय। चलो आप जाओ फिर अभी। एक पीछे निकल रहा है। हाँ चल रहा हूँ। एक पीछे रुक। दो पीछे मार। दो मारा ला रहा है अंदर भाई। कौन है? क्लाइंट का बीच। हाँ तो मैं क्यों क्लाइंट का? अरे इन्हों कौन है? ना सबर वक्त ना। थोड़ी हुई ना। हाँ जेठला जेठला बूटू जेठला। ओके। अरे जेठला बूटू। दोन तीन काट ले रहा हूँ। बाय सर। कड़े 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 नहीं कट। एक मिनट बात करते। मन करता हूँ बोलो बात। हाँ अंदर है, उस साइड पुणे में जरा। क्रॉस कर रहा हूँ। रुक।